called Ritik. Equation. Exercise number है 4.4. Question number है, question one है, question की बात ही करेंगे. Find the nature of roots. Find the nature of the roots. Nature of the roots के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें तीन किस्म के याद रखना है. जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला है या इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर हम फार्मूला की बात करेंगे. इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो नेचर ऑफ रूट्स में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है. डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे डी. डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर होता है. ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ. डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर होता है. तो अब नेचर ऑफ रूट्स में अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर पहला है अगर इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ज़ीरो से बड़ा होगा तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. अगर ये जीरो से बड़ा होगा तब इसके दो रूट्स होंगे यानी टू डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स. दूसरा है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. अगर ये जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो बराबर होगा तो टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स. तो दो रूट्स बराबर. तीसरा है अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ये लेस देन जीरो के बराबर होगा, जीरो से कम होगा यानी माइनस में होगा. अगर ये माइनस में होगा तो हम तो उस वक्त नो रियल रूट, तो कोई रूट नहीं निकलेगा, कोई रूट नहीं निकलेगा. अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ. एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहला पार्ट है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. कंपेयरिंग करेंगे हम इसको, अगर हम कंपेयरिंग करेंगे जिसके साथ क्वाड्रेटिक, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, है ना, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो हियर ए के बदले हम क्या लिखेंगे? आप ही वो दो ए के बदले लिखेंगे टू, बी के बदले लिखेंगे माइनस थ्री, सी के बदले लिखेंगे फाइव. अब पहले हमें देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स, इसके इसमें रूट्स निकलेंगे या नहीं, या इसके रूट्स टू डिस्टिंक्ट रूट्स है या इक्वल रूट्स है या रूट्स नहीं है. वो कैसे पता करेंगे हम? हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी डी निकालना है. डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी के बदले हम लिखेंगे माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू फाइव. टू इंटू फोर ये टू इंटू फाइव. तो यहां पर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये दोबारा मैं लिखूंगा, माइनस फोर इंटू टू इंटू फाइव.
अब थ्री थ्रीज आर नाइन, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, गो प्लस नाइन माइनस माइनस, फोर टूज आर एट, एट फाइव आर फोर्टी, तो बन गया ये माइनस थर्टी वन। वो डी किसके बराबर निकला? माइनस थर्टी वन। तो हमने कहा ना, अगर डी लेस देन जीरो होगा तो उस वक्त क्या होते हैं? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब यहां पर डी क्या निकला? माइनस थर्टी। डी इज इक्वल टू माइनस थर्टी को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम निकला, तो हम कहेंगे देयर फोर, ठीक है, देयर फोर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल, इज पॉसिबल।